वेलकम टू आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। देखिए ये हमारे पास एक आर ओ सिस्टम है, ये आज हम रिपेयर करेंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी फॉल्ट ढूंढ लिया है। इसमें क्या फॉल्ट है, पानी की सप्लाई दे के इसमें, और मुझे इस आर ओ के फॉल्ट के बारे में पता चल गया है, लेकिन मैंने सोचा इसके बारे में आप वीडियो बनाई जाए, इस पर एक वीडियो बनाई जाए इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आज उसी पे रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरे पास एक आरओ है और ये एक्वाफ्रेश स्विफ्ट मॉडल के नाम से ये आरओ आता है। तो देखिए ये इसका मेम्ब्रेन हाउसिंग, मैंने इसकी पाइपिंग वगैरह सारे ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ये इस टाइप से इसका क्लैंप निकाल लेते हैं। जब इसे पानी पे चला के देखा गया तो हमें ये पता चला, ये जो इसका आरओ का बूस्टर पंप है उसका हेड जो है, यहाँ ये पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस पोर्शन से पानी लीक करने लग गया। मतलब जब आरओ ऑन होता है, आरओ के साथ जब इसका पंप ऑन होता है, तो पंप ऑन होने से इसका हेड लीक करने लग गया, और लीक करने की वजह से पानी जो है, जो स्टोरेज टैंक इसका होता है गंदा पानी, उस स्टोरेज टैंक में भी जाने लगा, और जिससे कि कस्टमर को प्रॉब्लम हुई। तो कस्टमर ने हमें फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट बताई, हमने जाके उसे अटेंड किया और हमारी यहाँ वर्कशॉप पे हम इसे लेके आए। और देखिए मतलब मेन इसमें जो इस समय मोटर का ही प्रॉब्लम है कि जब मोटर ऑन होता है तो इसका हेड लीक करने लगता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, हम या तो मोटर को रिपेयर कर सकते हैं, मतलब इसका हेड खोल के हम इसकी जो लीकेज है उसे ठीक कर दें, या फिर कई बार हम इस मोटर का पूरा हेड ये निकाल के हम इस हेड को भी चेंज कर सकते हैं। ये पूरा ये जो पोर्शन है, इसके स्क्रू यहाँ से खोल के इसके जगह हम दूसरे हेड लगा देंगे, तब भी मोटर ठीक चल सकती है। या फिर थर्ड एक ऑप्शन और है कि पूरा का पूरा मोटर निकाल दिया जाए और ये मोटर निकाल के इसकी जगह पर दूसरा मोटर, नया मोटर लगा दिया जाए। तो क्लाइंट को हमने सारे ऑप्शन बताए, लेकिन क्लाइंट का यही डिमांड थी कि मेरे को मोटर रिपेयर नहीं कराना है, मेरे को नया ही मोटर लगा के दिया जाए। तो ये आरओ मैं अपने यहाँ वर्कशॉप पे लेके आया, तो इसका मैं मोटर अब चेंज करूँगा। किस टाइप से चेंज करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए मैंने इसके सारे पाइपिंग वगैरह कुछ ऑलरेडी खोल लिए, इसके फ़िल्टर्स वगैरह। वैसे तो मेरे को इसका पूरा कंप्लीट सर्विस, इसके फ़िल्टर्स, इसका मेम्ब्रेन, यूवी वगैरह सब कुछ, इसमें कस्टमर की डिमांड है कि बहुत समय से क्लाइंट ने इसका सर्विस भी नहीं कराया है, फ़िल्टर्स भी नहीं चेंज कराया है, मेरे को इसके फ़िल्टर्स भी चेंज करने हैं, इसका सर्विस भी करना है, प्लस इसके अंदर यूवी का भी प्रॉब्लम था, मेरे को इसका यूवी भी चेंज करना है, मतलब कंप्लीट ओवरऑल सर्विस करनी है। लेकिन मेरा ये जो वीडियो रहेगा, फोकस जो रहेगा, वो मोटर किस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं उस पर रहेगा। इस टाइप से इसके सारे पाइप मैंने कुछ निकाल लिए थे, कुछ बैलेंस रह गए थे, ये सारे फिल्टर्स मैंने सारे निकाल लिए। अब इसका ये पाइप निकाल लेते हैं, मोटर का आउटलेट वाला जो है, अब क्योंकि हमें इसका मोटर चेंज करना है, तो ये इसमें एक SMPS है 24 वोल्ट DC का, तो इसे हम निकाल लेंगे। मतलब लगभग एक किस्म से जिस टाइप से हम नया आर असेंबल करते हैं उसी टाइप से पूरा मुझे ये करना पड़ेगा खोल के। इस टाइप से सारा मैंने खोल दिया। ये इसका SV मैं साइड में कर लूँगा। बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि मोटर किस टाइप से चेंज कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए थोड़ा पानी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा पानी कई बार इससे निकलता है, या ब्लैक कलर, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा ये दिखाएं ज़रा। ये देखिए ये जब मोटर चलता है तो मोटर्स के कारण क्या है, इसके अंदर जो पानी घूमता है उससे क्या है कि लीकेज के कारण इसके अंदर से एक ब्लैक कलर निकला, पाउडर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, ये ब्लैक कलर इस टाइप का ये इसमें आके, और ये सारा टैंक जो पानी स्टोरेज टैंक होता है उसमें जाके मिक्स होने लग गया।
अब हमें यह मोटर खोलना है। इसके लिए हमें इसके ये चार स्क्रू ये दे रखे होते हैं, इस टाइप से पकड़ के हम इसको पहले खोल लेंगे। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा, ये ऑलरेडी जो इसके अंदर मोटर यूज़ किया गया है वो डाउफ्लो ब्रांड है, उसका मोटर यूज़ किया गया था। ये देखिए इस टाइप से इसके कुछ स्क्रू, किसी में स्क्रू लगा रखे होते हैं और कुछ हारों में जो है मोटर टाई बेल्ट की हेल्प से टाइट किया जाता है। हम इसमें टाई बेल्ट ही लगाएंगे क्योंकि क्या होता है, हम इसमें इस टाइप से नट बोल्ट लगाते हैं तो पानी की वजह से कई बार रस्ट आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इसमें नट बोल्ट लगा रहे हैं तो यही सलाह दी जाएगी कि इसमें आप ब्रास के ही नट बोल्ट यूज़ करें, उससे रस्ट के बहुत कम चांसेस रहते हैं। इसमें देखिए थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, ये रस्ट वगैरह इसके नट बोल्ट पर है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं इसमें प्लास्टिक का टाई बेल्ट यूज़ करते हैं, उसमें कोई रस्ट वाली समस्या नहीं रहती। कई बार इसमें रस्ट लग जाता है, रस्ट लगने की वजह से ये स्क्रू खोलना भी मुश्किल हो जाता है, ये खुल नहीं पाते हैं और फिर हमें इससे काट के निकालना पड़ता है ब्लेड से, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या लग नहीं रही। हालांकि ये ब्रास के नट बोल्ट नहीं है लेकिन फिर भी इजीली खुल गया है। अब ये लास्ट एक नट बोल्ट रह गया, इससे हम खोलेंगे। तो ये देखिए ये इसका लास्ट जो नट बोल्ट रह गया था ये भी हम इसमें से इस टाइप से लूज़ हो गया है, लूज़ कर लिया हमने इसको और ये खुल जाएगा। तो ये इसका लास्ट नट बोल्ट भी हमने इसे खोल लिया। तो ये देखिए ये मोटर अंदर से इसका लीकेज होने के कारण, ये सारा रिएक्शन के कारण ये गलना शुरू हो गया और यहीं से ब्लैक कलर का पाउडर निकल रहा था, जो कि ये देखिए यहीं इकट्ठा हो रहा था और यही क्या था, पानी के साथ मिक्सिंग होके टैंक के अंदर जा रहा था, जो पानी टैंक में स्टोर होता था। अब हमें इसमें नया मोटर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम इसे पहले इसे एक बार साफ कर लेंगे थोड़ा। ये हमारा कंप्लीट आर ओ पे वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ हम आपको मोटर किस टाइप से चेंज कर सकते हैं या मोटर में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं अगर मोटर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि या तो हम मोटर का हेड रिपेयर कर सकते हैं, उसका लीकेज उसका सील वगैरह चेंज करके, या फिर मोटर का एक हेड आता है क्योंकि ये पोर्शन सिर्फ एक अलग से आता है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि हमारे क्लाइंट की डिमांड है कि उन्हें नया ही मोटर यूज़ करना है
तो हम नया ही मोटर इसमें इंस्टॉल करेंगे। देखिए मैं इसमें ये मोटर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये ग्रैंड फर्स्ट कंपनी का बूस्टर पंप रहेगा और इसका जो 24 वोल्ट डीसी पे ये काम करेगा। और इसमें वैसे तो कई मॉडल्स आते हैं लेकिन जो फेमस जो ज़्यादा चलता है ये ग्रैंड फर्स्ट 75 वाइट हेड के नाम से फेमस है। तो ये देखिए इसमें अब हमें नोजल्स टाइट करने होंगे इनलेट और आउटलेट का कनेक्शन देने के लिए। इस टाइप से ये देखिए इस मोटर में एक इन होता है, मतलब जहाँ जो कि पानी का सोर्स रहेगा यहाँ से पानी इसमें आएगा और यहाँ से जो पानी आउट होगा यहाँ एरो की डायरेक्शन दी होती है कि पानी किस टाइप से किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो हमें वो ज़रूर ध्यान में रखना होगा। ये इस टाइप से इसका नोजल हम टाइट कर लेंगे टेफ्लॉन टेप इसमें लगा के ताकि लीकेज के कोई चांस ना रहे इसमें। इस टाइप से और एक इधर भी ये नोजल टाइट कर लेंगे इस टाइप से। और इस टाइप से इसमें देखिए ये कुछ होल वगैरह दिए होते हैं जहाँ पर मोटर के बूट बिल्कुल एग्जैक्ट टाइट हो जाएंगे, तो मैं इसमें टाई बेल्ट का यूज़ करूँगा। ये देखिए इस टाइप से इधर से ये टाई बेल्ट इस मोटर के इस बूट से निकाल के ये पूरी टाई बेल्ट आरओ कैबिनेट का जो बेस है मोटर का जो बेस रहता है उसको भी कवर कर लेती है और अच्छे से इसे टाइट कर देंगे। मोटर बिल्कुल भी लूज नहीं रहनी चाहिए, इस टाइप से इसे टाइट कर देते हैं तो इससे ये रहेगा कि मोटर सही से टाइट भी रहता है और रस्टिंग के भी कोई चांस नहीं रहते कि पानी में मिक्स होगा। अब इसी टाइप से एक दूसरा बेल्ट भी मैं इसमें टाइट कर लूँगा। इस टाइप से इधर से ऐसे खींच के फिर ये इधर से बेल्ट निकाल लिया और इधर से होता हुआ इसको ये ऐसे टाइट कर लेंगे। देखिए ये मोटर टाइट हो गए। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसका इन वाला पोर्शन ये अंदर की साइड आया और आउट पोर्शन बाहर की साइड रहेगा, मतलब ये जो पाइप जाएगा ये मेम्ब्रेन में हम दे सकते हैं। और अब हम इसे ये SMPS है इसमें हम पावर सप्लाई देके अब चेक करेंगे फिलहाल टेम्परेली लगा लेते हैं टेम्परेली और इसे चेक करेंगे कि मोटर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे तो मोटर में 1% भी चांस नहीं रहते कि नया मोटर में कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी हम एक बारी इसमें पावर सप्लाई देके इसे चेक कर लेंगे। ये फ्लोट की वायर जो थी इसमें हम टेम्परेली ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और इस फ्लोट को ऐसे रख के और इसका कनेक्शन करेंगे। अब हम ये 24 वोल्ट डीसी की सप्लाई देंगे अब हम इसमें, ये इस टाइप से SMPS के थ्रू होती हुई मोटर की वायर इधर कनेक्ट हुई और दूसरा जो वायर है ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। और अब हम इसे ऑन करके चेक करेंगे। इसे सप्लाई देके इलेक्ट्रिक सप्लाई देके चेक करते हैं। ये देखिए अब इसमें हमने पावर सप्लाई दी है, मैं उधर बोलूँगा अपने इंजीनियर से कि इसे ऑन करें। ये देखिए ऑन कर दिया। ऑन करने से ये देखिए ये एडाप्टर जो है इसका ऑन हो गया, इसमें रेड लाइट आ गई और
मोटर को हाथ लगाने से हमें पता चल रहा है कि मोटर वाइब्रेशन कर रही है और मोटर इसका ऑन हो गया है। अब इसके बाद मोटरों हमने चेक कर लिया, इसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस रहेगा, इसमें पाइपिंग वगैरह और इसमें फिल्टर्स का कनेक्शन कैसे रहेगा वो हमारी दूसरी वीडियो में इसकी जानकारी रहेगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतनी मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। फ्यूचर में कभी भी आपको इस वीडियो की जरूरत पड़ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।